हेलो एवरीवन। देखिए, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि सर कंफर्ट जोन से हम कैसे बाहर आएं। मेरा एक कंफर्ट जोन है, मैं उसमें उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। बाहर आने पर मुझे डर लगता है, ये चीज़ मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, मैं ये अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये जानें कि कंफर्ट जोन क्या होता है। देखिए, जब चीज़ें आपको आसानी से मिल रही हों और आप उसके लिए मेहनत ना करना चाहते हों, आपको चाहिए मोबाइल, वो आपके पेरेंट्स ने दिला दिया, आपको अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है वो करा दी, जिम जाना है पेरेंट्स ने पैसे दे दिए, बाइक चाहिए पैसे मिल गए, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े। आपको हर चीज़ बैठे बिठाए मिल रही है, आप उसके लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि आपके सामने आ जाए बिना किसी मेहनत के, और आप मेहनत चाह कर भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसे ही कम्फर्ट जोन बोलते हैं। यानी कि आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ चीज़ें आपको अचीव तो करनी है, आप बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ये पाना है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ के जॉब पा लूंगा, लेकिन आप पढ़ते कितना है, 1 या 1.5 घंटे। क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कंफर्ट जोन मतलब आपको वो सहूलियतें मिल रही हैं जिससे आपको बाहर आना चाहिए अगर आपको वो चीज़ें पानी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, मुझे कहीं 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब ट्रेन आनी है अगले 3 घंटे में, ठीक है, और अगले 3 घंटे में ट्रेन आनी है, और आप अगर अपने साधन से जाना चाहते हैं तो आप मुश्किल से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि यार कौन टेम्पो बदले, कौन ऑटो बदले, और मैं ट्रेन से चला जाऊंगा तो डायरेक्ट चला जाऊंगा। तो ये एक आपका कंफर्ट जोन है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाहते, आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट चला जाऊं, तो ये आपका एक कंफर्ट जोन है। डायरेक्ट के लिए जो आप वेट कर रहे हैं, ये आपका कंफर्ट जोन है, और डायरेक्ट 3 घंटे बाद, हो सकता है कई साल बाद। सफलता के पर्पज से मैं बोल रहा हूं कि लोग जो सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे कोई सिलेबस कंप्लीट करूंगा तब मैं अचीव कर लूंगा, नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से, और स्टूडेंट को तो कंफर्ट जोन से निश्चित तौर पर बाहर आना चाहिए। आपने देखा होगा जो भी सफल व्यक्ति होते हैं वो इतने टफ डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के, चाहे कोई भी सफल व्यक्ति हो, रिस्क लेते हैं वो, यानी कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं या स्टूडेंट जो नौकरी पा लेते हैं, वो भी या तो रात में पढ़ते हैं या फिर दिन में जल्दी उठते हैं, यही है कंफर्ट जोन। अगर आप देखिए, आपको भी नींद उतनी ही आती है, घंटे सोने के उतने ही हैं, सबके लिए 24 घंटे बने हैं, किसी भी सफल व्यक्ति को 25 या 26 या 30 घंटे नहीं मिलते हैं, उनके लिए भी उतने ही घंटे हैं जितने आपके लिए हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और उन घंटों को यूटिलाइज करते हैं, सोने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में, गेम खेलने में, या दोस्तों के साथ खड़े होने में, इन सब में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, सोना किसको अच्छा नहीं लगता है, कोई उठना नहीं चाहता है, हाँ जिम जाते हैं या फिर मतलब पढ़ाई को समय नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ अचीव हो जाए, तो ये तो कंफर्ट जोन से बाहर ना आने वाली बात हो गई ना। अगर आपको सफलता पानी है तो कुछ ना कुछ तो आपको त्यागना ही पड़ेगा, आपको आराम अपना त्यागना पड़ेगा, नींद त्यागनी पड़ेगी, कई ऐसी चीजें हैं जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा। उन स्टूडेंट्स का सोचिए या उन वैसे लोगों का सोचिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं तब जाकर अपने कोचिंग की फीस दे पाते हैं, अपना अपने मोबाइल पर रिचार्ज करा पाते हैं ताकि वो ऑनलाइन वीडियो देख सकें या फिर वो अपने घर में भी सहयोग कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट का भी सोचिए, अगर वो भी कंफर्ट जोन में रहना चाहें तो क्यों नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं। अगर वो चाहें कि मैं सिर्फ अपने लिए कमाऊं या फिर मेरे माँ बाप ही मुझे कमा कर दे दें, तो ये उनका कंफर्ट जोन है जिससे वो बाहर आकर भी नहीं आ पाएंगे। और जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है वो कहीं ना कहीं सफलता से दूर चला जाता है, और ये सत्य है। जिन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा है, अनु कुमारी का देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने IAS में 2nd रैंक हासिल की थी। अनु कुमारी, उनका 3 या 4 साल का बच्चा था। अब देखिए, एक माँ के लिए सबसे बड़ा कंफर्ट जोन उसका बच्चा होता है। उन्होंने 1 साल अपने बच्चे से दूरी बनाई, बच्चा बीमार हुआ तब भी वो उसको देखने नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने बच्चे के पास जाती तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाती और कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन छूट जाती। तो ये एक उनका कंफर्ट जोन था, बच्चे के साथ रहती, तो एक माँ के लिए इससे बड़ा कंफर्ट जोन कुछ हो ही नहीं सकता, और एक बच्चे के लिए भी अपने माँ के पास रहना सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होता है। अनु कुमार उससे बाहर आई,
उन्होंने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा, एक साल उन्होंने मोबाइल इन सब से दूरी बनाई, मतलब कि जो नेटवर्किंग साइटें होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइटें, उनसे दूरी बनाई। ये भी तो कंफर्ट जोन ही है ना, कि थोड़ी देर बैठे, अच्छा ये देख लिया, वो देख लिया, देश दुनिया में मनोरंजन के हिसाब से क्या चल रहा है, ये सब कंफर्ट जोन है। अन्नू कुमारी ने इन सबको छोड़ा और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। कोई भी हो, कोई भी हो, सोशल नेटवर्किंग साइट बुरी नहीं होती हैं, लेकिन उसका लिमिटेड प्रयोग होना चाहिए, लिमिट में उसका प्रयोग करिए, तभी वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। और आपको भी कंफर्ट जोन छोड़ना है, स्टूडेंट हैं तो एक टाइम टेबल सेट करिए। अगर आपको नाइट में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो नाइट में पढ़िए, मॉर्निंग में उठकर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं तो आप जल्दी उठिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको पढ़िए। तो इन सब चीज़ों से ही आपको सफलता मिलती है। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है और आप में वो काबिलियत है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि मैंने एक हफ्ते इस रूल को फॉलो किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, अगर मैं पढ़ना चाहता था तो मैंने घंटे डिसाइड किए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये सारी बातें बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।